तमाम बच्चे माँ बाप और दीगर स्कूल से आए हुए असातिज़ाए कराम और यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट्स तमाम को फिर से एक बार सलाम पेश करते हुए सबसे पहले माजरत चाहता हूँ कि एक DDPI मीटिंग की होने की वजह से हम तमाम का यहाँ पे आना लेट हुआ, इसके लिए दिली माजरत है। जब यहाँ के HM सलमा मैडम, बसलिंगा सर और गेस्ट टीचर तो दावत दिए कि हम यहाँ पे तालीमी सालाना तालीमी सालगिरह मना रहे हैं, तो आमतौर पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया हुआ था कि आगे दंग रह जाएंगे। तो अभी ये आ गया है, कुरान देख के जबान पे बिल्कुल अल्फाज नहीं आ रहे, बार बार एक शेर जबान पे आ रहा है, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक ही अपनी फितरत में न नूरी है नारी। ये जो हमने भी सालाना जो इनका वर्दी देखा, इसमें इनकी मेहनत साफ साफ नजर आ रही है कि ये सिर्फ प्राइवेट में ही नहीं, हम गवर्नमेंट स्कूल में भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारा जो एक तसव्वुर था कि कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, वो कॉन्सेप्ट को हमारे गवर्नमेंट उर्दू HPS LPS के असातिज़ा कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया है। ये हमारा हम तमाम के लिए काबिल रशक और फख्र की बात है। और एक बात जहन जा रही है, ये जो सालाना इजलास होता है, अब मेरे नज़रिए के मुताबिक इसके मकासद होते हैं। सालाना इजलास इतना मेहनत करके गाँव वालों का सपोर्ट लेकर बच्चे तैयारी करके ये जो सालाना इजलास करते हैं, इसके मकासद मेरे नज़रिए के हिसाब से सबसे पहले हमारे जो ये असातिज़े अपनी तालीमी जो तरक्की होती है वो तालीमी तरक्की को आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमारी यहाँ क्या मेहनत हो रही है। ये तालीमी तरक्की को अपने सामने रखकर आपका एक सपोर्ट की उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह वो जो सपोर्ट की उम्मीद वो चाह रहे थे उससे ज़्यादा यह सपोर्ट मिल चुका है, बहुत खुशी की बात है। ये हमारे मेरे मैं यहाँ पे आके लगभग 2 साल ख़त्म हो रहे हैं, ये 2 साल में ये उर्दू मदरसे में ना मैं अपने 20 साल के सर्विस में देखा था, पहली बार देख रहा हूँ। ये पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आप मेरी तरफ से भी एक ताली बनती है तमाम स्टाफ के लिए, तमाम गांव के लिए, और गांव वालों का ऐसा सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। और दूसरा, ये जो आज जो जलसा है 5वीं पंजुम जमात के तौबा के अलविदाई जलसा है, और 5वीं जमात के तलबा से यहाँ से जो फारिग होके जा रहे हैं तो बच्चों वो बच्चे यहाँ से बिछड़ कर दूसरे स्कूल जा रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं वहाँ पे जाके, और तमाम की दुआ भी है कि वह जाकर अच्छा तालीम हासिल करें। जिस तरह यहाँ पे वो अपनी कारकर्दगी पेश करते थे वहाँ भी जाकर अपनी कारकर्दगी को जारी रखें, और यहाँ पे अपना जिस तरह नाम रोशन किया है वहाँ पे भी जाकर अकेले अपने जमातों में अच्छी मेहनत करके अपने स्कूल का, अपने गाँव का और अपना खुद का नाम रोशन करें और जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें। और अभी ज़्यादा न कहते हुए हमारे इस स्कूल के तमाम स्टाफ खुसूसन बसलिंग, जब से बसलिंगा सर आए हैं, मैं फर्स्ट टाइम जब बसलिंगा सर से मिला था, यहाँ पे मेरी विजिट हुई थी, बसलिंगा सर अपने जो टीचिंग मेथड मेरे सामने रखे थे वो देख कर मैं दंग रह गया था। और बसलिंगा सर उनके अंदर एक खसूसियत है, काबिलियत है जो हम ये हमारा मुकद्दर कही है, हमारे स्कूल का मुकद्दर कही है। बसलिंगा सर क्या बोलते ना, जो उनके पास जो भी उनका टैलेंट है हमारे बच्चों को मिल रहा है,
भस्लिंगा सर का, और मैं शुक्रगुजार हूँ भस्लिंगा सर का जो बच्चों को इस तरह तैयार किया। और यहाँ के मीर मुल्लिमा लगभग 10-15 साल से यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मीर मुल्लिमा, सिर्फ मीर मुल्लिमा के लिए नहीं, भस्लिंगा सर और साजिदा टीचर है कि जो गेस्ट टीचर हैं, उन तीनों के मिलकर मैं एक शेर अर्ज करते हुए अपनी जगह लेना चाहता हूँ। खूने दिल देख के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफुज की कसम खाई है। दिन रात मेहनत करते, मैं देखता हूँ एक अच्छम होने के नाते भी बच्चों पे मेहनत करना, ऑफिस का काम करना उतना करते भी है। ये स्कूल में जो क्वालिटी एजुकेशन हुई है वो काबिल तारीफ है। इसी तरह तमाम वालिदैन गाँव वालों से सरपरस्त दरख्वास्त है कि अपना इमदाद अपना ताउन इस स्कूल को देते रहे और बच्चों की तरक्की के लिए काम करते रहे। बहुत खुशी की बात है, ओल्ड स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे इमदाद है, बहुत खुशी होती है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद दिलाता हूँ वो दिन दूर नहीं कि आपके स्कूल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। इंशाल्लाह एक दिन HPS हम भी से HPS बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके स्कूल HPS बनेगी इंशाल्लाह। बस इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ, तमाम को सलाम पेश करते हुए अल्लाह हाफिज़।